कैसे आगे चलना है, यहाँ पर जो सीनियर लीडर बैठे हैं हमें इनसे आज सीखना है। अब मैं दावत देता हूँ शेख मुर्शिद साहब को जो माइनर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبدن چھے یتمن چھے سوئی مہمانی خصوصی پارٹی ہی سینئر لیڈر وہ آئے وان میں کون سے ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک نیشنل لیول پارٹی کی بیٹھک 1980 میں سے दूसरा पेज हमने इलेक्शन की और हम एक मजबूत अपोजिशन बन गए। जो ये कोलिशन का कांसेप्ट है ना, ये भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस वाला अपोजिशन हमने नहीं किया, हमने वो अपोजिशन वजन हूँ वायरस सुचे खत्म कर खानदानी राज से खत्म कर भारतीय जनता पार्टी लीडर बजे भगवान खानदानी गुस्से लीडर जगह मंडल पोलिंग बूथ पंद नफर प्रोटेस्ट कर आज लक्षण मज कार्यकर्ता वो हालत कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत कर कार्यकर्ता जरूरत अमी चिठा जरूरत अगर सरकार मगर गिर दल आज ये सान कार्यकर्ता अंदर कमी भाषण आज थायल नजरिया था, महात्मा थे, उनको पता था आगे किस तरह से लोगों को इस नाम पे बहकाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं थोड़ी सी उसका बैकड्रॉप को थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने यहां फिर वही चेतावनी दी ना, उन्होंने कांग्रेस डिसबैंड किया और झंडा क्या उन्होंने उस वक्त मंतव्य किया, तीन कलर का झंडा उसमें हाथ लगा दिया। क्यों? क्योंकि आजादी मिली थी, लोगों को जोश था, उन्हीं लोगों को वर्ग लाने के लिए उन्होंने वही झंडा, और गांधी जी ने वहां भी कहा कि इस झंडे को चेंज कर दो, लेकिन कांग्रेस ने किया और 70 साल तक इस नाम पे उन्होंने हुकूमत की। लेकिन अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ही वही वाहिद पार्टी है जिन्होंने ठीक है कांग्रेस के बाद हम वजूद में आ गए, लेकिन बहुत कम उससे 40 साल के अंदर अंदर हमने लगभग जो हमारी नीतियां थी जहां जहां हमने जीता था उन नीतियों की वजह से हमारे पूरे देश में आज मैक्सिमम पर हमारी गवर्नमेंट हो रही है, क्योंकि नीतियां की वजह से और जो नेता हमारे उनकी वजह से। अब जब बीजेपी की हिस्ट्री देखते हैं तो ये तीन फेज में रोज तक किसी ने किसी खाने में बात होती रोज किसी खाने में बात होती थी, हमें इस तरह की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज अब हम देखते हैं मंजूर खान साहब मुदस्सिर जान साहब नेता गण मैं सारे अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए माइनॉरिटी मोर्चा की एक फंक्शन थी क्योंकि देश में जो मुसलमान का स्टेटस है वो माइनॉरिटी है और कश्मीर में मेजॉरिटी है, इसलिए उनका बहुत अहम रोल बनता है। आने वाले इलेक्शन के लिए हमने आज जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसको यहाँ बुलाया था और आज उनको यहाँ से हमने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, अभी 6 महीने 8 महीने के वक्त के दौरान इलेक्शन होने वाले, बहुत जल्द होने वाला, अब डोर टू डोर कंपेनिंग शुरू की। और मोदी जी की जितनी भी स्कीमें जो 5 सिक्के हमने अंदर भी गए और उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया है, कितनी फ़र्क है पिछली गवर्नमेंट में, वो लेके जाइए लोगों पर क्या सोचाइए, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करने में अपना बदल कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि पिछले 70 साल और आज के इस 5 साल में कितनी फर्क है। थैंक यू।